हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह से मस्त नहा धो के रेडी हो गए, बाहर धूप में आ गए। अब बारी है ओरियो को नहलाने की, और सबसे मुश्किल काम है ओरियो को नहलाना, बिकॉज़ जैसे भागता है ना छटपट आता है। तो मैं पहली बार ओरियो को नहला रहा हूं। ओरियो क्या हुआ? ये देखो कैसे लग रहा है, जरा सदा तो ओरियो लग नहीं रहा, नॉर्मल लग रहा है। मैं इसकी मुंह साफ करूंगा, कितनी पतली पूंछ होगी इसकी। अरे यार, एक ही बार में सब पानी खत्म हो जाएगा ना, हिसाब से डालना पड़ता है वो। अब क्यों डाल रहे हैं देख ले भाई, ओरियो लगता ही नहाते हुए ओरियो लगता ही नहीं है ये। खुद ही पोछ लेगा। पागल हो गया। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, कढ़ी चावल हरी सब्जी, उसके बाद चले कहीं घूमने के लिए। आज प्लान है गाइस, ओरियो नहाने के बाद मस्त बैठ गया यहाँ पे सोफे पे, देखो अभी यहीं बैठा रहेगा, सोता रहेगा, बिकॉज़ नहाने के बाद तो थक जाता है ये। ओलू प्यारा सा ओलू, और आज तक कुनाली ने लाया। तो गाइस, आज मम्मी को लेके जाने वाला हूँ फर्स्ट टाइम जंगल सफारी में, रामनगर। मम्मी को ना जंगल सफारी से बहुत डर लगता है, बट मैंने फाइनली मम्मी को मना लिया है, तो मम्मी भी जाएगी, चाची भी, अम्मा, फर्स्ट टाइम तीनों, तो मजा आने वाला है। मम्मी का रिएक्शन देखना, मेरी फुल ऑफ रोडिंग होती है, खुली जिप्सी होती है, वहाँ सारे जंगली जानवर होते हैं, टाइगर भी होता है, एलिफेंट भी होता है। डर नहीं लगती, एक एडवेंचर सा लगता है, क्योंकि कोई भी जानवर दिख सकता है ना, बट हमको आज तक कभी टाइगर नहीं दिखा, तो होपफुली क्या पता आज दिख जाए। मम्मी जा रही है साथ में, चले जल्दी से रेडी हो जाओ, चलते हैं। चलोगे? हाँ। जय माता रानी। चलो भाई, गाड़ी रेडी है, हम जा रहे हैं फॉर्चुनर में। चाची कुनाली को रेडी कर रही है, मम्मी अम्मा को रेडी कर रही है, मतलब घर में सबसे छोटा और सबसे बड़े को सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है। नहाने के बाद देखो कितना मस्त लग रहा है, एकदम वाइट। अम्मा आओ, क्या हुआ, क्या हुआ? वास आती है ना, शीशा खोल के बैठ जाना। ठीक है, शीशा खोल देना। चलो आओ देर तक। हाँ, पूरे टाइम शीशा खोले के रखेंगे, ठीक है? क्या हुआ? बात आ गया, खोल दिया है, लेट्स गो भाई, आराम से चलाना, ठीक है? तो अभी गेट पे पहुंच गए, एंटर कर रहे हैं अंदर। मेरा नाम तरुण चिमोल है। इन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे है सबको ले जाने की। खुली गाड़ी का मजा ही कुछ और है ना, है ना? खुली गाड़ी का मजा है। यहाँ पता कितने टाइगर हैं? 252 टाइगर है, पता है? और हिरन पता कितने हैं? 50,000 हिरन। अभी देखने इतने हिरन दिखेंगे, इतने हिरन दिखेंगे ना। और एलिफेंट कितने हैं? एलिफेंट भी यहाँ पे 1300 प्लस है, 1300 प्लस। अगर अम्मा की किस्मत अच्छी हुई, अम्मा पहली बार आई है, अम्मा नहीं हमारी सबकी, अगर तुम्हारी सबकी। अभी हम पहुंच गए हैं गेस्ट हाउस में, जंगल के अंदर। तो अभी हम चलते आ रहे हैं जंगल में, बस अभी तक तो हीरे नहीं दिखे हैं, टाइगर के नाखून के निशान कुछ दिख नहीं रहा। क्या देखने? मिलने के चांसेस बहुत कम है, आएगा तो देखेंगे हम। कितनी बड़ी नदी है, पत्थर देख रहे। चलो भाई, अब चलते हैं यहाँ से, थोड़ी देर यहाँ वेट किया। तो अभी गाइस 5 बज चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है, 6 बजे हमको बाहर निकलना है, तो देखते हैं अब 1 घंटे में कुछ दिखता है तो। तो गाइस टाइम हो चुका है, जा रहे हैं जंगल से बाहर वापस, 6 बजने वाले हैं। कोई बात नहीं अम्मा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है? पूरे 6 बज चुके हैं, ये खड़ी अपनी गाड़ी, कूदोगे? हाँ। सच्ची? आराम से। एक, दो, तीन। कुछ नहीं दिखा भाई, टाइगर था क्या? नहीं था। क्यों नहीं दिखा टाइगर? हीरा नहीं दिखे, टाइगर तो घर में रह गया। शेर सोने 10 किलो लोहा और 10 किलो समोसा। हाँ, समोसा में कौन ज्यादा? क्या भारी होता है? हाँ। ये तो नॉर्मल चीज है यार, बताओ ना। भारी क्या होगा, आप खुद बताओ। आप बताओ ना। नहीं, इन दोनों से भारी नॉर्मल दीदी जी। आप बताओ ना, समोसा भारी है ना लोहा भारी है? आप बताओ, आप बताओ, समोसा भारी है लोहा भारी है? आप बताओ ना, आप कॉमन सेंस है, क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं। अम्मा आप बताओ, समोसा भारी है लोहा भारी है? लोहा भारी। लोहा भारी है? हां है। आप बताओ, समोसा भारी है लोहा भारी है? समोसा। क्यों? समोसे के साथ चटनी भी तो आती है। अम्मा क्या गलत बोल दिया आपने? कोई बात नहीं, चलो मम्मी से पूछते हैं कि 10 किलो लोहा या फिर 10 किलो समोसे में से क्या भारी होगा। वैसे तो लोहा ठहरा, फिर लोहा ना, लोहा भारी होता है, है? नहीं, नहीं। लोहा भारी होता है?
दोनों दस दस किलो हैं, होंगे तो सेम ही। ना 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 ना, लोहा भी दस किलो है, समोसा भी दस किलो है, सेम ही तो होंगे। भारी क्यों होंगे, चटनी थोड़ी ना क्या बात है, सेम नहीं होंगे बात। मैं पूछ रहा हूँ दस किलो। हम घूमते रहे पूरा एरिया सब जगह, बस हिरन दिखे, उसके अलावा कुछ दिखे ही नहीं। बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो भी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी ड्राइंग जो मैं शिवजी के बना रहा था ना। चलो 2-3 घंटे इसको बनाएंगे, फिर सोऊंगा मैं। गाइस मेरे को ना ये टेबल बहुत छोटा पड़ रहा है, ये देखो मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा वहां तक ना, पेपर मुड़ रहा है यहां से, पीछे करूंगा तो यहां से मुड़ जाएगा। तो मैंने एक बड़ा सा बोर्ड मंगवाया है, तो वो आएगा 5-10 दिन में, उसके बाद मस्त काम कर पाऊंगा मैं। पहले शिवजी के हाथ ही बना लेता हूँ ये वाले देखो। तो भी रात के 12:30 बज चुके हैं और ड्राइंग कुछ इतनी हो गई है। मैंने ये शेर बना लिया थोड़ा सा, देखो शेर ना, जो ये शिव जी के नीचे शेर है ना, ये थोड़ा सा बनाया। बाकी हैंड बना ली दोनों, देखो अभी पूरी बॉडी बाकी है। अब फिलहाल मैं सारा सामान उठाता हूँ यहाँ से और सोता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।